हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल और आज की शुरुआत करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के फोर्थ T20 इंटरनेशनल मैच के बारे में। 2-1 से सीरीज को टीम इंडिया लीड कर रही है, तो चौथे मैच के बारे में मैच प्रीव्यू करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, जरूर से वीडियो पूरा एंड तक देखिए। और उससे पहले आपको Fun88 के बारे में बताना चाहूंगा। Fun88 एक बहुत ही बढ़िया साइट है जहां पर अपनी क्रिकेट की या स्पोर्ट्स की नॉलेज की मदद से पैसा जीत सकते हो। पहले तो आपको बता दूं, Fun88 बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। CPL यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग के एक स्पॉन्सर थे। डैरेन सैमी इनकी साइट के ब्रांड एम्बेसडर है। इस साइट पर आपको स्पोर्ट्स एक्सचेंज भी देखने को मिलता है जहां पर आप ले और बैक कर सकते हो। एक और चीज आपको बता दूं, यहां पर कई सारे डिपॉजिट और विड्रॉल के ऑप्शन है। डिपॉजिट कैसे करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पेटीएम, फोन पे, सारे डिपॉजिट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो उस वीडियो को जरूर से देखिए और जल्दी से Fun88 को इंस्टॉल भी कीजिए। पर पहले उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, वहां पे मैंने Fun88 के बारे में डिटेल में आपको बताया है। अभी एशिया कप भी आने वाला है, वर्ल्ड कप भी आने वाला है, सारे मैच आपको Fun88 पर देखने को मिलेंगे। तो भाई, वो पहला T20 टीम इंडिया ने जीता था, उसके बाद वेस्ट इंडीज ने सेकंड T20 को जीता और तीसरे T20 में फिर से हमारे टीम इंडिया ने कमबैक किया। तीसरे T20 में टीम इंडिया की तरफ से बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार को 2 विकेट मिले थे, हार्दिक पांड्या को 1 और हर्षदीप सिंह को भी 1 विकेट मिला था। बैटिंग में बात की जाए तो रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हुए थे, तो उनकी फिटनेस के ऊपर सवाल जरूर रहेगा। सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी। इसके अलावा ऋषभ पंत ने भी मिडिल ओवर्स में रन बनाए थे, उनका अच्छे साथ दिया था। श्रेयस अय्यर ने भी रन तो बनाए थे पर उनके स्ट्राइक रेट का थोड़ा सा इशू रहेगा। रोहित शर्मा के फिटनेस के बारे में जो है बहुत ही बड़ा सवाल रहेगा। अगर वैसे तो ज्यादा बड़ी इंजरी नहीं होगी, वो इस मैच में अवेलेबल होने चाहिए, पर अभी तक कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं आई है। ये सीरीज एशिया कप के पॉइंट ऑफ व्यू से टीम इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीम इंडिया के लिए हमें प्रॉब्लम ऑफ प्लेटी देखने को मिल रही है। कई सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, इसकी वजह से जो एक स्क्वाड चूज करना बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है। जबरदस्त खिलाड़ी टीम इंडिया के पास है तो ये अच्छी बात तो जरूर है, पर फिर भी स्क्वाड सिलेक्शन सिलेक्टर्स के लिए हेडेक रहेगा। बात की जाए वेस्ट इंडीज़ की टीम की, तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से पिछले मैच में बैटिंग में काइल मेयर्स ने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की थी। उनसे मैं सीरीज में रनों की उम्मीद भी लगा रहा था और उन्होंने इस सीरीज में अभी रन बनाए भी है। इसके अलावा ब्रैंडन किंग को स्टार्ट मिला था, निकोलस पूरन को स्टार्ट मिला था, रोमन पोवेल को भी एक अच्छी शुरुआत मिली थी, पर कोई भी उसे बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाया था। सिमरन हेटमायर को भी स्टार्ट मिला था, हालांकि हेटमायर ने ठीक ठाक स्ट्राइक रेट पर बैटिंग की थी, पर फिर भी मेरे ख्याल से बाकी गेंदबाज मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ के ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में अकील हुसैन को 1 विकेट मिला था, इसके अलावा डोमिनिक ड्रेक्स को भी 1 विकेट मिला था और जेसन होल्डर को भी 1 विकेट मिला था, पर वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहे थे। बाकी किसी भी बॉलर को विकेट नहीं मिला था और वेस्ट इंडीज़ टारगेट को डिफेंड करने में नाकामयाब रही थी। ये मैच का जब मैंने लॉर्डर हिल में, यहाँ पे पहले तो वेदर की बात की जाए तो बारिश का हल्का सा चांस है, पर मैच के टाइम पे शायद ही हमें बारिश देखने को मिलेगी और हमें एक पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा, इसके बहुत हाई चांसेस है। पिच की बात की जाए तो यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहता है 161 का। पहली इनिंग में तो पिच बैटिंग के लिए बढ़िया होती है, पर सेकंड इनिंग में पिच थोड़ी सी स्लो डाउन होती है। इसी वजह से यहाँ पे अभी तक जो टोटल 9 T20 मैचेस खेले गए हैं उनमें से 7 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मुकाबला जीता है। तो ये पॉइंट को याद रखिए कि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसके जीतने के ज़्यादा चांसेस होंगे। सेकंड इनिंग में पिच जो है थोड़ी स्लो डाउन होती है, बैटिंग करना मुश्किल होगा, खासकर सेकंड इनिंग में के मिडल ओवर्स में जो है और भी बैटिंग करना जो है डिफिकल्ट हो सकता है। तो अगर फर्स्ट इनिंग में टारगेट छोटा भी बनता है, 150 के आसपास का टारगेट भी बनता है, 140 के आसपास का टारगेट भी बनता है, तो उसके बाद सेकंड इनिंग में उसे चेस करना इतना आसान नहीं होगा और हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिल सकता है। अगर पहली इनिंग में लो स्कोर भी बने तो फिर भी यहाँ पर टीम के डिफेंड करने का चांस रहेगा। अब बात की जाए मैच प्रेडिक्शन की, तो मुझे ये मुकाबला वेस्ट इंडीज़ जीतेंगे। अभी सीरीज जो है 2-1 से इंडिया के फेवर में है, मुझे ये मुकाबला वेस्ट इंडीज़ जीतेंगे और उसके बाद सीरीज बराबरी पर खड़ी होगी। तो मेरा इस मैच का प्रेडिक्शन रहेगा टीम वेस्ट इंडीज़। पर हाँ, आपको क्या लगता है जरूर से कमेंट करके बताइए। अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।